आज मैं बनाऊंगी ये खरबूजे का जूस। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ और इसके बीज को भी जूस में डाल दूंगी। तो चलिए बनाते हैं जूस। ये मैं इसके बीज भी ले लिए, थोड़ा सा इसका खरबूजा भी ले लेंगे, क्योंकि पहले इसके जो बीज रहते थे हम लोग खाते थे धो के सुखा के। तो अभी मैं सोचती हूँ इसमें ही डाल देती हूँ, इसमें बहुत विटामिन रहता है। तो ये ऐसे हम लोग फेंक देते हैं। पहले मैं इसके बीज को अच्छे से पीस लूंगी, फिर छान लूंगी, फिर और जो खरबूजा काटा है वो डाल के इसके साथ पीसूंगी। इसके ये बीज पिस चुके हैं, अब मैं इसको छान लेती हूँ और खरबूजा डालती हूँ बराबर। जो इसके बीज थे मैंने इसको छान लिया, तो इतना ये जूस निकला है वो मैं इसके साथ मिला दूंगी। इसमें बर्फ डाली है, साथ में ये थोड़ा सा शक्कर डाल दूंगी। ये मेरा बीज सहित खरबूजे का जूस है ना, ये उसका छानन, और मैंने सारा जूस ये भी डाल दिया है, तो मेरा जूस अब बहुत अच्छा। मैंने कल ही हल्दी लगा के अचार रख दिया था धूप में, और फिर उसके बाद रख दिया इसको बन्नी में भर के। अब मैं इसमें तेल और मसाला डालूंगी, तो तेल रख देती हूँ सरसों का गर्म होने के। मैंने तेल में राई और हींग डाल दी, अब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो मैं तेल इस अचार में डालूंगी। ये मसाला है और मैं ये मसाला अचार में डालूंगी, तेल गर्म हो जाए तो ये मसाले को इस पूरे अचार में डाल दूंगी। ये लाल कलर का अचार बनाने का मन था तो ये उसका मसाला। मसाला अचार में डाल दूंगी। मैंने ये अचार सारा मिक्स कर लिया है, थोड़ा नमक कम था वो भी डाल दिया। अब मैं इसको डब्बे में भर देती हूँ, और ये अचार बहुत टेस्टी बना हुआ है, घर का बना हुआ है शुद्ध अचार। मैंने इसमें ये अपना सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट है वो डाल के बनाया है, अच्छा वाला सरसों का तेल। तो ये अचार एकदम अच्छा है, घर का बना हुआ। उसके पहले मैंने ये बनाया था, मैं ये भी खा के इतना हो चुका है, अब मैं इसको डब्बे में भर देती हूँ। ये मैंने अचार को बर्नी में कांच की भर दिया है, तेल ऊपर तक है। ये 1 किलो अचार है, तो मैं इसको धूप में रख देती हूँ। 1 दिन पहले रखा था, अभी 2-3 दिन और रखेंगे फिर ये तैयार हो जाएगा। मेरी मंचूरियन की बॉल मैंने तैयार करके रखी, कितनी अच्छी बनी है। मंचूरियन के लिए फ्राई कर रही हूँ, पत्ता गोभी शिमला मिर्ची सब। पानी तैयार करके रखा है, आज मन किया मंचूरियन बनाने का। मैंने इसमें सोया सॉस भी डाल दिया है थोड़ा सा। तैयार हो गया है मंचूरियन, चलिए गरम गरम इसको सबको खाने को दे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमूल फ्रूट क्रीम। तो मैंने एक किशमिश लिया है और थोड़ा सा चिरौंजी, ये अंगूर लिया है कटा हुआ, अमूल फ्रेश क्रीम। तो रात में ठंडा किया था, और क्रीम को अब मैं थोड़ा सा मिक्सी में फेंट लेती हूँ। मैंने घर का सामान आज शॉपिंग करने बाहर आई थी, सामान यहाँ पे लिया हुआ है। अंधेरी ये अंदर का मार्केट है यहाँ। हम लोग ने अभी सामान ले लिया है घर जाओ। ये अंधेरी मार्केट में इस टाइम बहुत ट्रैफिक है, सामान पीछे बोरी में रखा है, घर का सारा सामान खत्म हो गया था। देखो दिखाए कितना भीड़ है अभी।
8 बजने वाली है, बहुत ट्रैफिक रहता है इसमें का। दीपावली में लाइट लगी रहती है तो ईद में भी चारों साइड रोशनी है। घर का ना खाना पड़े तो बाहर का खाना पड़े। मेरा काला नमक है जो मैं पीसने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें एक खड़ा वाला काला नमक लिया, इसमें कुछ मिला नहीं रहता। फिर ली है काली मिर्ची, जीरा को भुनने रखा है तो जीरा लिया है, और अब मैं इसको जो बाहर मिलता है काला नमक पिसा हुआ उससे अच्छा घर का, तो मैंने ये काली मिर्ची, खड़ा काला नमक और अब जीरा पिसा इसमें डाल दूंगी। मैंने सब डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। और ये घर में बना हुआ काला नमक मसाले वाला तैयार है, तो इसको चाहे छाछ, दही बड़ा, चाट जिसके साथ मन करे अच्छे से खाएं। और ये एकदम प्योर घर का बना हुआ नमक है। ये मेरा काला नमक एकदम तैयार हो चुका है, किसी भी सब्जी, दाल, चाट सबके साथ ऊपर डाल के खाएं तो ये काला नमक फायदा भी बहुत करता है, छाछ। तो चलिए धन्यवाद। ऐसे ऊपर से खाने के लिए यूज करती हूँ, तो ये अगर आपको नमक की जरूरत पड़े तो काला नमक खाएं तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है। आइसक्रीम, ये अंगूर को पतला काट के रखा हुआ है काले वाले, ये है मिक्स ड्राई फ्रूट और ये है मिल्कमेड। क्रीम को थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें एक चम्मच ये मिल्कमेड पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला, थोड़ा सा शक्कर इसमें डाला है, ड्राई फ्रूट और जो अंगूर है वो बाद में डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसको फ्रिज में रख देंगे और जब इसको देंगे तो इसमें फ्रूट डाल देंगे। ये मेरी बनाई हुई फ्रूट क्रीम अभी ठंडी हो चुकी है तो मैं इनको देने जा रही हूँ खाने के लिए।